Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine and taking care of yourself. So today we are going to start our new chapter number 19, Our Friends Animals. ये जो chapter है ये animals के ऊपर है. इसके बारे में हमें ये बताया गया है कि जो animals है वो हमारे friends होते हैं, या कैसे हम उनको, हम सबको पता है कि हम animals को बहुत अटैच हो जाते हैं. जैसे अगर एनिमल्स होते हैं तो जो एनिमल्स है वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, ये इस चैप्टर के अंदर बताया गया है. और आगे हम स्टोरी रीड करते हैं. द चिल्ड्रन इन द क्लास वर स्टार्टल्ड ऑन हियरिंग द साउंड ठक. द साउंड केम फ्रॉम द सीलिंग फैन. कल्याणी शाउटेड, लुक लुक, अ बर्ड इज हर्ट. पीटर गॉट अप एट वंस एंड पिक्ड अप द बर्ड. इट वॉज इन पेन. अब यहाँ पर क्या होता है कि जो क्लास के अंदर क्लास चालू रहती है और बच्चे जो है वो पढ़ाई करते रहते हैं, और अचानक से उनको एक आवाज़ आती है ठक करके. तो जैसे ही वो लोग सीलिंग फैन के ऊपर देखते हैं, वहाँ से आवाज़ आती है. तो वहाँ पर देखते हैं तो उनको क्या दिखता है, एक बर्ड है. ठीक है, तो कल्याणी चिल्लाती है, लुक द बर्ड इज़ हर्ट. जो बर्ड है वो हर्ट हो चुका है, मतलब उसको लग गया है. और पीटर नाम का एक बच्चा है, वो तभी खड़ा होता है और बर्ड को उठाता है. इट वॉज इन पेन. और वहाँ पर क्या दिखता है कि बर्ड जो है वो तकलीफ़ में होता है, उसको कुछ चीज़ का दर्द होता है. नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉड वाटर इन अ बाउल. नवजोत और अली क्या करते हैं, जल्दी से एक बाउल के अंदर वाटर, मतलब पानी लेकर आते हैं. पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड. दे हेल्ड द बाउल ऑन द बर्ड्स नेक. पीटर ने क्या किया, आराम से एकदम धीरे धीरे जो बर्ड है उसको सहलाया. दे हेल्ड द बाउल टू द बर्ड्स बीक. और बर्ड की बीक तलक, मतलब जहाँ उसकी चोंच है वहाँ तक जो पानी का बाउल है वो रखा था, तो वो इजीली क्या कर सके, पानी ड्रिंक कर सके. इट ड्रैंक अ लिटल वाटर एंड स्लोली स्टार्टेड फ्लैपिंग इनटू इट्स विंग्स. थोड़ा सा पानी पीकर और बर्ड क्या करता है, अपनी विंग्स जो है उसे उड़ने के लिए जैसे वो यूज़ करते हैं तो उस तरीके से फ्लैपिंग करना स्टार्ट करता है. नवजोत टोल्ड ऑल द चिल्ड्रन टू मूव बैक. नवजोत क्या बोलता है सब बच्चों को, कि सब थोड़ा पीछे हट जाओ. दे नोटिस दैट द बर्ड वॉज ट्राइंग टू फ्लाई. उसने क्या नोटिस किया, कि जो बर्ड है वो उड़ने की कोशिश कर रहा था. इन अ वाइल द बर्ड फ्लू अवे. और थोड़ी देर में बर्ड क्या करता है, उड़ जाता है. ये रात को दिख रही है पिक्चर में उस तरीके से. नाउ नेक्स्ट पेज पे आप देखो. नेक्स्ट डे द चिल्ड्रन सॉ अ बर्ड सर्कलिंग अबव देम इन द क्लास रूम. The children tried to find out whether it was the same bird that was hurt the previous day. They quickly stitched off the fan and started to clap. क्या हुआ, वो जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे थे कि जैसे दूसरे दिन पढ़ाई कर रहे थे तो अचानक से एक बर्ड आया और उनकी रूम के अंदर सर्किंग, मतलब गोल गोल जैसे घूमने लगते हैं वैसे घूमने लग गया. और क्या हुआ, द चिल्ड्रन ट्राइड टू फाइंड आउट वेदर इट वॉज द सेम बर्ड दैट वॉज हर्ट द प्रीवियस डे. बच्चों को पता करना था कि ये वही बर्ड है जो अगले दिन हर्ट हुआ था. और उन्होंने क्या किया, पहले सबसे पहले काम, जल्दी से उन्होंने फैन बंद कर दिया एंड स्टार्टेड टू क्लैप, और क्लैप करने लग गए. अब ये जो है ये आपको एक्सरसाइज है, पुट द सेंटेंसेज इन द करेक्ट ऑर्डर. जो स्टोरी सुनाई गई थी उसके हिसाब से हमें क्या करना है, सेंटेंस को, ये जो सेंटेंसेज हैं इन सबको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है. ओके, शंकर वॉज वेरी हैप्पी. अ कैट गेव हैड गिवन बर्थ टू फोर किटन्स इन द कोर्टयार्ड ऑफ हिज हाउस. अब शंकर नाम का एक है बॉय, उस क्या होता है वो बहुत खुश होता है. क्यों, क्योंकि एक जो कैट है उसने उसी के कोर्टयार्ड के अंदर फोर बेबी किटन्स, जो किटन्स होते हैं बेबी होते हैं कैट्स के, उनको बर्थ दिया है. He started spending his free time with them. और वो क्या करता, अपना free time जो है वो kittens के साथ spend करता था. One morning Shankar was woken up by the cat's cry. और एक दिन क्या होता है कि शंकर सोया रहता है सुबह को, और वो बिल्ली के रोने की आवाज़ की वजह से उठ जाता है. Do you know how a cat cries? आपको पता है cat कैसे रोती है, आप सबको पता है children? He ran towards the courtyard. He saw that the cat was crying and cuddling its three kittens. One of the kitten was missing. He went outside and found Malini petting a kitten. Shankar called up Malini into his courtyard. Malini saw the cat crying. अब क्या होता है,
कि जैसे ही वो वहाँ पर जाकर देखता है तो कोर्टयार्ड में देखता है कि कैट है और उसके 3 kittens है जिनके साथ वो बैठी है, लेकिन जो 1 kitten है वो मिसिंग है। तो वो बाहर जाता है ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे ही वो देखता है बाहर तो एक मालिनी नाम की लड़की है, वो क्या करती रहती है किटन को पैटलिंग मतलब कि प्यार से ऐसे सहलाना रहता है ऐसे। शंकर कॉल्ड मालिनी इनटू द कोर्टयार्ड, शंकर मालिनी को अंदर कोर्टयार्ड में बुलाता है और मालिनी फिर देखती है कि कैट कैसे रो रही थी। What do you think मालिनी would have done? आपको क्या लगता है कि मालिनी क्या करेगी? मालिनी would have returned kitten to the cat. मालिनी जो है वो cat को kitten वापस दे देगी। अब next page पर आप देखो, Bholi is Minu's cow. Minu takes Bholi to the field to graze every day. One day a speeding scooter hit Bholi and hurt her leg. The wound was bleeding heavily. अब एक दिन क्या होता है, यहाँ पर एक भोली नाम का है गर्ल है, उसके बारे में लिखा है भोली इज़ मीनू काव। भोली जो है वो मीनू की क्या है, काव है, ठीक है। मीनू टेक्स भोली टू द फील्ड टू गेज डेली। मीनू जो है वो उस काव को रोज़ गेज करने के लिए मतलब घुमाने के लिए वहाँ पर लेकर जाती है। वन डे स्पीडिंग स्कूटर हिट भोली एंड हर्ट हर लेग। एक दिन जल्दी से आते आते स्पीड वाला स्कूटर क्या करता है, भोली के पैरों में कुछ मार कर चले जाता है और उसको लग जाता है वो स्कूटर। द वूंड वॉज ब्लीडिंग हैवीली, और वो जो वूंड है जिससे उसको लग गया है वो बहुत हैवीली ब्लीड हो रहा होता है। वॉट विल पीपल इन मीनूज फैमिली डू, मीनू की फैमिली के लोग क्या करेंगे उस काव को, अभी वो उस वूंड को वॉश करेंगे और उसके ऊपर ऑप्टी ऑइंटमेंट लगा देंगे, ठीक है। चंतू धोबी लुक्स आफ्टर हिज डोंकी वेरी वेल, द डोंकी टू डज अ लॉट ऑफ हिज वर्क, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट वॉट आर द थिंग्स दैट चंदू डज फॉर हिज डोंकी। अभी चंदू नाम का धोबी है, वो अपने डोंकी की किस तरीके से ख्याल रखता है वो आपको उस पेज के ऊपर पिक्चर्स में दिख रहा है, और यहाँ पर हमें लिखना है कि चंदू किस तरीके से अपने डोंकी का ध्यान रखता है, और उसका जो डोंकी है वो भी उसके लिए बहुत सारा उसका काम कर देता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक जगह वो डोंकी को नहला रहा है, एक जगह उसको खिला रहा है, कहीं पानी दे रहा है, कहीं उसको फ्लावर से डेकोरेट करना है। तो ये आपको बुक के अंदर लिखना है, और इस पेज पर भी चिल्ड्रन आपकी सारी एक्सरसाइज है जो आपको PDF में आ गई है वो आपको कम्प्लीट कर लेनी है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे है बर्ड बाथ। टेक अ स्मॉल अर्दन पॉट हैविंग अ वाइड माउथ, टाई द पॉट विद द रोप एंड हैंग इट एज शोन इन द पिक्चर। आपको क्या करना है, एक स्मॉल सा पॉट लेना है जो कि इस तरीके का हो जाए जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, उस तरीके का होना चाहिए। उसके बाद उसको रोप से टाई कर देना है, किससे, रोप से मतलब रस्सी से टाई कर देना है, और उसके बाद उसको किसी भी जगह पर इस तरीके से बांध देना है। पॉर सम वाटर इन द पॉट एंड हैंग इट ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री और हुक आउटसाइड योर हाउस। उसे आप ट्री पर बांध सकते हो या अपने घर के बाहर भी बांध सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। पॉर वाटर इन इट एवरी डे, उसके अंदर रोज़ आप वाटर डालो। ऑब्जर्व विच बर्ड्स कम टू ड्रिंक वाटर, आप फिर देखोगे धीरे धीरे वहाँ पर बर्ड्स आएंगे और उसमें से पानी पिएंगे। तो वो क्या होता है कि आपको ये ऑब्जर्व करना है कि उसमें से कितने बर्ड्स, कौन से बर्ड्स आते हैं जो उसमें से पानी पीते हैं। आप रोज़ देखोगे कि आपके पास वहाँ पर जहाँ आपने पानी रखा होगा वहाँ पर बहुत बर्ड्स जो होते हैं वो प्यासे होते हैं तो पानी पीने के लिए आएंगे। उसके बाद अगेन आपको यहाँ पर एक्सरसाइज है जो कि आपको PDF में आ चुकी है, आपको कंप्लीट कर लेनी है। ये भी एक्सरसाइज है और ये भी आपको कंप्लीट कर लेनी है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप देखोगे ये जो है यहाँ पर आपका होमवर्क है जो कि आपको कंप्लीट करना है, ओके। अब आप नेक्स्ट पेज पर देखो द क्वींस गार्डन, रीड द स्टोरी एंड डिस्कस इन द क्लास। द गार्डनर हैज़ बॉट मैंगोज फ्रॉम द क्वींस गार्डन, एक गार्डनर है जिसने अपनी एक क्वींस गार्डन है जो गार्डन है उसके अंदर से क्या खरीद ले आया है, मैंगोज ले आया है। सो मैनी मैंगोज गुड, वाओ इतने सारे मैंगोज गुड। योर मैजेस्टी देयर वुड हैव बीन डबल इन द अमाउंट इफ द बर्ड्स हैव नॉट ईटन देम। अब ये जो है वो क्वीन का गार्डन है और उसके अंदर ये जो है क्या करता है, इतने सारे मैंगोज मतलब कि आम लेकर आता है, और उसके बाद वो क्या बोलती है कि वाओ इतने सारे मैंगोज
इतने वो देखकर खुश हो जाती है। तो वो क्या बोलता है गार्डनर कि वहाँ पर और भी होते थे लेकिन अगर बर्ड्स उन्हें खा नहीं चाहते थे। व्हाट डिड यू से द बर्ड्स हैव ईटन द मैंगोस, व्हाई डिड यू अलाउ द बर्ड्स इनटू द गार्डन। वो क्या बोलती है कि क्या बोल रहे हो तुम, जो बर्ड्स है उन्होंने मेरे मैंगोस खा गए, तुमने उन बर्ड्स को अलाउ ही कैसे किया कि वो हमारे गार्डन में आए। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई विल नॉट लेट एनी बर्ड कम इनटू द गार्डन। मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद कोई भी बर्ड जो है उसको गार्डन में आने नहीं दूंगा। फ्यूअर मैंगोज देन द लास्ट ईयर, why did you not stop the birds from entering the garden। फिर नेक्स्ट ईयर क्या होता है, वो फिर से जो गार्डनर है उसके पास क्या करता है, मैंगोज लेकर जाता है, लेकिन वो देखती है कि इसके अंदर क्या हुआ, मैंगोज कम हो गए। I stopped them, your majesty. I did not let a single bird enter, but this year the insects have eaten the mangoes. वो क्या बोलता है कि मैंने जितने भी बर्ड्स थे उनको मना कर दिया कि उनको आने ही नहीं दिया कि वो बर्ड जो है वो गार्डन में आए और मैंगोज खाए, लेकिन इस साल बर्ड्स ने नहीं, इंसेक्ट्स ने सारे मैंगोज खा गए हैं। If there had been birds, then they would have eaten the insects. We would not have lost so many mangoes. तो वो क्या बोलता है कि अगर birds होते तो birds जो है insect पे से क्या खा जाते, जो mangoes पे से जो insects है वो खा जाते थे, तो फिर जो है वो mangoes ज़्यादा बचते थे। तो जो birds है वो हमेशा फ़ायदा कराते, अगर वो field में आ रहे थे तो वो जो insects खा जाते इसकी वजह से खेती जो है वो ख़राब नहीं होती है। आपको समझ आ गया चिल्ड्रन, नाउ यू कंप्लीट दिस चैप्टर, आपको इसकी एक्सरसाइज आ जाएगी और टेक्स्ट बुक में सारी एक्सरसाइज करना और उसमें से भी आएगा एग्ज़ाम में सब कुछ, सो आपको टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज भी लर्न करनी है। ओके, थैंक यू।